हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए फोर्ड इको स्पोर्ट 2017 एडिशन का जो सिल्वर वेरिएंट है, सिल्वर कलर है, टाइटेनियम पे उसका। आप लोग मुझसे वीडियो पूछ रहे थे कि वीडियो लाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं उसी का ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये एक वॉक अराउंड वीडियो होने वाला है, इसमें मैं खाली गाड़ी का आपको जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, वो अपने कैमरे के थ्रू दिखा देने वाला हूँ। आपको पूरा जो डिटेल में वीडियो देखना है अगर, तो आपको मेरे चैनल पर टाइटेनियम वेरिएंट का जो ब्लू कलर है उसका पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके इसके गाड़ी के बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये वॉक अराउंड वीडियो है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ कि गाड़ी एक्सटीरियर और इंटीरियर से कैसी लगती है, जो ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं। थोड़े बहुत मैं आपको इसमें फ़र्क भी बोलते जाऊंगा, जो इसके लोएस्ट मॉडल हैं और जो टॉप मॉडल है जो आप देख रहे हैं। इसमें आपको जो मिल जाती हैं लाइट्स, वो हैं आपकी प्रोजेक्टर, आपको जैसे आप देख रहे हैं सामने यहाँ से, और आपको जो LED DRL है वो भी इसमें मिल जाता है। काफ़ी ब्रॉड लाइट्स मिलती हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्रोम का यूज़ मिल जाता है, जो इसकी फ्रंट ग्रिल है। ये इसके साइड में आ गए हम लोग, साइड प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी का आप, तो नीचे पूरा क्लैडिंग हो गया आपका, जो ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है। उसके अलावा आपके जो व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको इसमें, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। उधर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके जो ORVM हैं, पूरा बॉडी कलर पे सिल्वर पे मिलते हैं, और नीचे ब्लैक फिनिश हो गया। इनबिल्ट आपको इसमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो डिफरेंस है ट्रेंड और टाइटेनियम में। तो आप जैसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको मिल जाती हैं रूफ रेल्स। अब दोस्तों आ गए हम लोग गाड़ी के पीछे, पीछे आप देख रहे हैं टाइटेनियम वेरिएंट, जो आपको मैंने बोला अभी, फोर्ड इको स्पोर्ट। पूरा जो बैजिंग मिलती है आपको ये क्रोम के ऊपर, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इसकी मैं की दिखा देता हूं आपको, तो इसमें आपको ये ऐसी की मिलती है। तो जल्दी से खोल लेते हैं गाड़ी को और पीछे का बूट देख लेते हैं। इसमें आपको लाइट्स मिल जाती हैं, तो आपको सामान वगैरह रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। डिटेल्ड वीडियो आपको अगर इसका देखना है, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसमें फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम का, जो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल लेने के लिए। इसके अलावा गाड़ी के बारे में आपको जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। ये इसके दूसरी साइड आ गए हम लोग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी बहुत अच्छी लगती है देखने में। पूरा कम्प्लीटली चेंज किया है गाड़ी को, ख़ास तौर से आगे से, तो वो आपको तो मैंने दिखाई दिया जो इसका फ्रंट प्रोफाइल था। और काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है इंडिया में, ये तो आप जानते ही होंगे। इधर आप देखते हैं अगर, तो नीचे भी आपको ORVM में लाइट्स मिल जाती हैं, डिम लाइट्स, ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। इसके अलावा जब आप गाड़ी ऑन करते हैं, गाड़ी खोलते हैं, तो आपकी जो ये फॉग इंडिकेटर है, साथ में जो LED DRL है वो ऑन हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहीं पे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन दिया गया है टाइटेनियम वर्जन में। तो दोस्तों ये था इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल, मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि सिल्वर वेरिएंट टाइटेनियम का कैसा लगता है देखने में। अब हम लोग चलेंगे गाड़ी के अंदर और अंदर से आपसे बात करेंगे। मैं फिर से आपसे बता देता हूं कि आपको जो इसका डिटेल वीडियो चाहिए, अगर डिटेल पूरी चाहिए गाड़ी की, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर कार्ड्स में और वीडियो एंड में भी आपको फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम, जो मैंने ब्लू कलर का जो रिव्यू किया था जब लॉन्च हुई थी गाड़ी, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। थोड़ी सी सीट एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से। दोस्तों आ गए हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, और आप पहले एक एज अ होल लुक ले लीजिए टाइटेनियम का। तो गाड़ी का, जैसे आप लोगों ने मुझसे बोला था कि आपको इसका एक्सटीरियर देखना था, सिल्वर कलर में देखना था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी एक थोड़ा सा मैं देख लीजिए, आप यहाँ पे राउंड अबाउट दे देता हूँ आपको पूरा, तो आपको अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी कैसी लगती है अंदर से।
तो काफ़ी एक अच्छी चेंजेस आपको गाड़ी में मिल जाते हैं, कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है, ख़ासतौर से फ्रंट में, और डैशबोर्ड तो पूरा चेंज कर दिया गया है। जो हाईलाइट है दोस्तों इसका, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट चीज़ है। तो पूरा एक ग्लॉसी फिनिश के ऊपर दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसका जो डिटेल वीडियो है कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, फंक्शनैलिटी मिल जाती है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उसको, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और गाड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों डोर थोड़ा सा मैं बंद कर लेता हूँ, तो ये भी आपको पूरा ब्लैक फिनिश पे ही मिल जाता है। तो काफ़ी अट्रैक्टफुल डिज़ाइन बनाई है पूरी गाड़ी की, गाड़ी बहुत अच्छी लगती है और सीट्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं आपके पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। सीट्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं आपको इको स्पोर्ट में। तो डोर की पॉकेट्स देख लीजिए आप, यहाँ पर डोर की पूरी पॉकेट्स आपको दिख रही हैं। मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी गई है गाड़ी में, कोई डाउट नहीं है। टाइटेनियम वर्जन है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर, जो आपको ट्रेंड जो वर्जन है इसका उसमें नहीं मिलता है। तो मॉडल के हिसाब से फ़ीचर्स में तो फ़र्क होता ही है दोस्तों, उसीलिए मॉडल्स के पैसे कम ज़्यादा होते हैं, तो आपको इतना पता ही होगा। और बीच में आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बाइफरकेटेड जो रीडिंग लाइट्स हैं टाइटेनियम में मिल जाती हैं, ट्रेंड में आपको नॉर्मल लाइट्स मिलेंगी, पूरा एक पैनल मिलेगा। इसके लिए आपका ये आपके सन ब्लाइंड्स हो गए आप जैसे ही देख रहे हैं। एयरबैग का पूरा स्टिकर मिल जाता है, तो गाड़ी में सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, तो आपकी अगर वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो वैनिटी मिरर के साथ मिलती हैं, तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है और काफ़ी अलग टाइप फ़ीचर है, आपको जनरली किसी भी गाड़ी में ऐसा नहीं मिलता है। अभी तक मैंने तो नहीं देखा है कि वैनिटी मिरर के साथ आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाएँ, इन लाइट्स, रीडिंग लाइट्स के अलावा। इसके अलावा आप यहाँ से देख लीजिए पूरा जो एसी वेंट्स हैं बुलेट शेप में दिए गए हैं इसमें। इस गाड़ी के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो शायद मुझसे मेरे वीडियोस में छूट गई हो शायद, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको इसमें दो मिल जाते हैं USB पॉइंट्स और एक मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, तो ये भी डिफरेंट है। जनरली आपको किन्हीं गाड़ियों में एक ही सॉकेट मिलता है। इधर आपको मिलता है एक गहरा सा ग्लव बॉक्स जिसको आप हैंडरेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर लगा मुझे टाइटेनियम का। बाकी दो कप होल्डर्स हो गए आपके, और इधर आप देख रहे हैं छोटा सा जगह मिल जाता है, थोड़ा आप स्क्वायर शेप में यहाँ पर भी अपना सामान डाल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आपका जो हैंड ब्रेक हो गया सिल्वर फिनिश के साथ मिलता है। दोस्तों पूरा मैंने जो आपको लुक था एज अ होल पूरा दिखा दिया, पूरा जो इसका डैशबोर्ड था, एक्सटीरियर था सिल्वर वेरिएंट का। तो अब हम लोग चलेंगे गाड़ी के पीछे और पीछे से देखेंगे कि गाड़ी कैसी लगती है देखने में, कितनी जगह मिल जाती है, और पीछे से भी है पूरा आपको मैं वॉकअबाउट दे दूंगा, पूरा वॉकअराउंड मिल जाएगा आपको गाड़ी का, पूरा सी अबाउट मिल जाएगा गाड़ी का, एक नया वर्ड मैंने यूज़ कर दिया तो उसके बारे में भी चलते हैं पीछे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है उसमें आपको पूरा सिल्वर फिनिश में मिलता है, जो ग्रैब हैंडल दिया गया है इसमें पूरा आपको ब्लैक फिनिश पे ऊपर मिल जाता है। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के पीछे और पीछे से मैं आपसे बात करता हूँ, तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार। तो दोस्तों मैं फोर्ड इको स्पोर्ट 2017 टाइटेनियम जो सिल्वर कलर का वेरिएंट है उसके मैं पीछे से आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले सीट से आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड वेरिएंट है उसमें आपको ये नहीं मिलता है, जो आपका ये हैंडरेस्ट है, ग्लव बॉक्स है, वो सब नहीं मिलता है, तो बीच में काफ़ी एम्प्टी स्पेस रहती है। एक आप ले लीजिए एज अ होल पूरा डैशबोर्ड का, तो आपको पीछे से भी आइडिया लग जाएगा कि डैशबोर्ड कैसा लगता है देखने में। काफ़ी एक रिच फील वाला डैशबोर्ड बनाया गया, मुझे स्पेशली जो इसकी स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया, टच इसका बहुत अच्छा है। अब एक पीछे से आप पूरा देख लीजिए यहाँ पे कि बैक डोर्स हैं आपके कैसे लगते हैं। तो इधर आपको मिल जाता है पूरा आपका एक छोटा सा बोल सकते हैं बॉटल होल्डर, पतली छोटी बॉटल आ जाएगी। ये आपके हो गए विंडो अप डाउन बटन्स, ये इधर आपका सिल्वर फिनिश में मिलता है आपको डोर अपना खोलने के लिए। इसके अलावा दूसरी साइड हम लोग चलते हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा वही आपका जो डोर खोलने के लिए और आपका डोर सॉरी विंडो अप डाउन करने के लिए और डोर खोलने के लिए जो नॉब जो आपका ये है हैंडल मिल जाता है आपको यहाँ पे जो पुल नॉब है। दोस्तों पीछे बैठने में गाड़ी में बहुत अच्छा लगता है, सीटिंग लगभग दोनों सब मॉडल्स की बराबर है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कुछ भी। जो मटेरियल आपको उसमें मिलेगा ट्रेंड में वही इसमें मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी गई है इको स्पोर्ट में, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी।
तो दोस्तों मैंने कंप्लीट गाड़ी का पूरा आपको वॉक अराउंड दे दिया, थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना है ट्रेंड वेरिएंट का और जो टाइटेनियम वेरिएंट का, तो उनके लिंक आपको मेरे चैनल में इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको इसी में शेयर कर दूंगा, तो आप पूरा डिटेल में गाड़ी के बारे में देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। इसके अलावा आपको मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप वो भी इसमें जाके देख सकते हैं, जाके आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।